समस्तीपुर जिले का रोसड़ा क्षेत्र इन दिनों बढ़ते अपराध के कारण सुर्खियों में है। आए दिन मारपीट, हत्या, लूटकांड, डाका और संगीन अपराध के चलते स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है। बताते चले कि जिले में सिंगिया थाना क्षेत्र के कोलुआ घाट बेहट के बीच में अज्ञात अपराधियों ने एक शाम एक CSP संचालक से पिस्टल की नोक पर लूटपाट किया। लगमा ग्राम के दिलीप सिंह, जो जहांगीरपुर से 6:05 शाम में दूधपुरा से 4,85,000 रुपए लेकर लगमा घर लौट रहे थे कि बेहट पुल के निकट पहुंचने पर बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने बाइक रोककर उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग झपट लिया। ये घटना का 3 घंटा हो गया है, अभी तक प्रशासन के तरफ से हम लोग संतुष्ट नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है दुर्बेचवा पुलिस, ये खाली दारू पीने वाले को पकड़ेंगे, ले जाएंगे, पैसा ऐठेंगे। ये कभी भी कोई क्रिमिनल को नहीं पकड़े हैं, इतना क्रिमिनल घूमते रहता है एरिया में, कुछ नहीं। इसके अगर ये चलेगा तो यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता है। प्रशासन में इतना दम होता है, लोग कहते हैं कानून का हाथ लंबा होता है मगर इसका हाथ छोटा है। ये सब भर्ती हो जाता है, इस सब को इसको हटाइए यहाँ से, हम लोग को एक ही चीज चाहिए। प्रशासन से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए रोसड़ा सिंगिया सड़क मार्ग को जाम कर विरोध दर्ज किया। लोगों ने क्षेत्रीय थाना प्रभारी से अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, समस्तीपुर।